हेलो, कैसे हो बच्चों? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 11 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टुडे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डेवलपिंग ए कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। दिस क्लास विल बी इन बाइलिंगुअल, दैट इज इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो कीप वॉचिंग and try to understand what we will discuss today. If you are unable to understand anything, just write down to us. We will explain each and every aspect, each and every topic, each and every point, each and every word, what we will discuss in this class. So, आज हम लोग 11th class की trigonometry शुरू कर रहे हैं। इस trigonometry में बात होगी trigonometric function की और आगे इसको कई सेगमेंट होंगे, कई सारे लेक्चर्स होंगे। पहले लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बिना समय व्यतीत किए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आप पहले के क्लास में भी परिचित होंगे। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी पढ़ी है और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी किए होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री से जान पहचान आपकी पुरानी है। लेकिन 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिफरेंट है। इसमें कुछ भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है सिवाय इसके कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का रिलेशन क्या होता है। सम बेसिक फॉर्मूला विल बी यूजफुल। तो अभी सबसे पहले आज बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि कहा जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शन क्या है? फंक्शन जो होता है टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को कहते हैं फंक्शन। जैसे एक्स और वाई में कोई रिलेशन हो सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, तो हम कहते हैं कि वाई एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो साइन कॉस टैन से कोसेक के फॉर्म में होगा। So, यहां पर फंक्शन होगा साइन कॉस टैन से कोसेक ये सब का। लेकिन सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि एंगल क्या है, व्हाट इज एन एंगल। आप सब लोग जानते होंगे, जानते हैं क्या क्या है एंगल? क्या आप डेफिनेशन दे सकते हैं एंगल का? आप डेफिनेशन जानते हैं एंगल क्या है? हमने इस डेफिनेशन को तकरीबन अभी तक 50,000 से ज्यादा बच्चों से पूछ चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई बच्चा इसे सही सही एक्सप्लेन कर पाता है। बच्चे कहते हैं एंगल होता है जहां दो लाइनें मिलती है, एंगल वो होता है जहां एक लाइन दूसरी लाइन पे खड़ी होती है, एंगल वो होता है जो दोनों के बीच में बनता है वो वाला एंगल होता है। बट ये सब ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। एंगल है क्या ये आप लोगों को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट से सीखना पड़ेगा। एंगल होता क्या है? आपने दो तरह की चीजें सीखी होगी। पहले की क्लास में 9th 10th में एक टर्म आया होगा फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा जाता था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसका थोड़ा और डिस्टिंग्विश करें, माइक्रो लेवल पे जाएं तो उसको हम कहते थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब उसमें एक यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसको कहते थे। अब जब 11th क्लास में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, तो आपको एक टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्म से एंगल का डेफिनेशन आप डिराइव कर सकते हैं। तो व्हाट इज एन एंगल? एंगल इज व्हाट? जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करे, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ऑर्बिट, then angular displacement at any instant of time of a particle is described in terms of an angle. Angular displacement, right? Term को ध्यान से देखें। When a particle is moving along a circular orbit, then angular displacement of particle is described in terms of an angle, right? Angular displacement. So basically, angular displacement of a particle is said to be an angle. So, एंगल क्या है कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि हम ये कहें कि यहीं पे कि ये एक कोई पार्टिकल है
और पार्टिकल यहाँ पे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल है कोई जहां पे ये मूव कर रहा है, और इसमें ये कहें कि ये एक इनिशियल पॉइंट है, एक इनिशियल लाइन है जहां पे पार्टिकल जहां से मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं कि सेंटर है, राइट। तो अगर ये सेंटर है और ये मूव कर रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट है O, दिस इज ए पॉइंट O, है ना, ये पॉइंट है O, और यहां से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस पॉइंट A से, और जा रहा है कहां पे, तो जा रहा है ये B पे, ये पार्टिकल B पे जा रहा है। तो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई, इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम कहते हैं एंगल। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, सब एक ही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एन एंगल। और ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के कई सारे तरीके हैं, दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ एंगल, और एंगल को मेजर करने के लिए कई सारे मेथड्स है, है ना, क्या क्या मेथड है इसको मेजर करने के लिए। एक मेथड हो सकता है डिग्री, ये यूनिट्स है डिग्री। दूसरा होता है ग्रेड, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, रेडियन हो सकता है, रेडियन रेडियन, और तीसरा होता है ग्रेड इटसेल्फ, ठीक है, तीसरा होता है ग्रेड। तो डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, ये तीन तरीके का मेजरमेंट का यूनिट है। अब ये तीनों क्या है, ये तीन अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से है। एक ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता क्या है उसके बारे में पहले सीखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से मेरा मतलब है कि अलग अलग सिस्टम जिसमें ये मेजर किया गया। डिग्री से आपकी जान पहचान पहले से होगी, रेडियन और ग्रेड से हमारी पहचान करनी, ये है डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है जरा समझते हैं। पहला एक सिस्टम है जो पहला टाइप का है जिसको हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, जेसिमल सिस्टम, जरा समझिए इसको, थोड़ा सा डिटेल होता है बेसिक। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें क्या किया गया कि एक पूरी को 60 सर्कल को 60 के टर्म्स में 6 भागों में डिवाइड किया गया, यानी वन सर्कल इज डिवाइडेड इन 6 सेगमेंट एंड दैट इज वन ऑफ देम इज कॉल्ड सेक्शन, यानी 60। तो इसको अगर 6 भागों में बांट दिया जाए तो वन ऑफ देम इज कॉल्ड 60। अगर इसको 4 भागों में बांट दिया जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये है क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, ये आपको पता है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, तो दैट इज कॉल्ड वन क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे वन क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, एक क्वाड्रेंट। और ये पूरा 60 60 के 6 भाग, तो 6 × 60, सेक्सा का मतलब ही होता है 60, दैट इज 360 डिग्री। तो 6 सेगमेंट में अगर इसको बांटा जाए तो ये होगा 360 डिग्री, दैट इज वन सर्कुलर एंगल, सर्कुलर एंगल, पूरा पूरा एंगल को सर्कुलर एंगल कहेंगे, 360 डिग्री, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और वन राइट एंगल, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज टोटल 360 है, तो एक पार्ट यहां से यहां तक कितना हो गया 90 डिग्री, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, इसी को हम डिग्री कहते हैं, ये डिग्री। और ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम थोड़ा और इसमें करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इस तरह का सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं मिनट्स, ये टाइम वाला मिनट्स नहीं है, ये है इसको माइक्रो ऑब्जर्वेशन करने के लिए 1 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दो बार ये दिया, इसको हम पढ़ते हैं सेकेंड्स। तो इस तरह से एक सिस्टम है जिसको कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम।
इसी के साथ एक दूसरा सिस्टम भी है जिसको कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। ये दूसरा जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल, डेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। इसका मतलब है ये ब्रिटिश सिस्टम है, अभी भी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो है सेंट चलता है, सेंट मतलब सैकड़ा, ठीक है। तो 100 भागों में इसको डिवाइड किया गया, तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या हुआ कि एक क्वाड्रेंट जो है वो 100 के बराबर है, तो चार क्वाड्रेंट मिलकर कितना हो गया 400, 400 यानी वन सर्कुलर एंगल, सर्कुलर एंगल इज इक्वल टू 400 ग्रेड, राइट है 400 ग्रेड। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, ये मिनट्स, ठीक है। लेकिन यहां पे मिनट का सिंबल इस स्लोप के साथ देते हैं अपोजिट स्लोप ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो वन मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, ऐसे दो स्लोप, ठीक है, ताकि इसको पढ़ा जा सके। तो यहां वन सर्कुलर एंगल किसके बराबर हो गया 400 ग्रेड के। अब इन दोनों सिस्टम से अलग एक तीसरा सिस्टम भी था जिसको कहा गया सर्कुलर सिस्टम। तीसरा सिस्टम जो था उसको कहा गया सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में ये डिफाइन किया गया कि एक सर्कल जो पूरा है उसको डिफाइन किया गया कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, इससे डिफाइन किया गया एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। और यहाँ एंगल की मेजरमेंट हमेशा ही जिसमें मेजर की गई उसको कहा गया रेडियन मेजर। सो अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में है ना, तो ये स्फेरिकल शेप में है, इसमें रेडियस है आर। ये पूरा आर्क कितना होता है आपको पता है कि पूरा आर्क होता है 2πr। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये पूरा सर्कुलर एंगल कितना होना चाहिए, इस डेफिनेशन के हिसाब से पूरा आर्क हो गया 2πr और रेडियन हो गया आर, यानी आर से आर कैंसिल हो गया तो ये हो गया एंगल। और ये पूरा एंगल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर एंगल। सो दैट इज वन सर्कुलर एंगल, सर्कुलर एंगल इज इक्वल टू 2π, वन सर्कुलर एंगल इज 2π। अगर इसको चार भागों में बांटें तो क्वाड्रेंट कहलाएगा, तो वन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 2π/4। क्वार्टर से क्वाड्रेंट बना है यानी 1/4, दैट इज π/2, 2 से 2, 4 कैंसिल हो गया, दैट इज वन राइट एंगल, दैट इज वन राइट एंगल इज इक्वल टू π/2। तो ये हमें समझ में आ गया कि एक सर्कुलर एंगल जो है वो कितना होता है 2π, वन सर्कुलर एंगल इज 2π, और वन सर्कुलर एंगल कितना है 360 डिग्री, और वन सर्कुलर एंगल कितना है 400 ग्रेड। तो तीनों के डिस्कशन से हमें एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। ये 2π रेडियन है, इसको रेडियन मेजर कहते हैं, रेडियन एंड ग्रेड इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन इज इक्वल टू 400 ग्रेड, दैट इज 180 डिग्री मोर सिंप्लीफाइड वे इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। तो ये एक रिलेशन है जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ग्रेड इज आउटडेटेड, हार्डली इट विल बी यूज्ड, बट यू हैव नॉलेज, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इट, राइट। बट डिग्री से आप पहले से जान पहचान में है, जब बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो गए तो अब आपको रेडियन से बात करनी होगी, मतलब रेडियन में लिखना होगा। तो एक कन्वर्जन तो आनी चाहिए ना, अगर आप डिग्री जानते हैं और रेडियन नहीं जानते तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करने का आइडिया होना चाहिए।
अगर रेडियन में कन्वर्ट करने का आइडिया नहीं होगा तो आप कन्वर्ट करने में आपको मुश्किल होगी, रेडियन में फिर लिखेंगे कैसे। इसलिए रेडियन मेजर के लिए जरूरी है कि आप इसको कन्वर्ट करने का तरीका सीखें। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगले में हम देखते हैं, पहले ये सीखते हैं कि ये जो है रेडियन मेजर, हमने कहा था, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, राइट। सो वी कैन राइट टू चेंज डिग्री इंटू रेडियन मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, राइट। एक बात होगी, दूसरी बात होगी कि जब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ध्यान से देखें, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसका मतलब वन रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, वन रेडियन इधर निकालेंगे तो पाई इधर डिवाइड होगा, 180 बाई पाई डिग्री। इसका मतलब है कि रेडियन को डिग्री में अगर चेंज करना होगा, टू चेंज रेडियन इंटू डिग्री मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, 180 डिग्री अपॉन पाई, यानी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें। यहां पर ये आर्कुअल लेंथ एल है, ये एल है और रेडियस है इसकी आर, तो 1 रेडियन क्या होगा जब एल 1 के बराबर होगा, रेडियन डिग्री इज इक्वल टू, यू नो डिग्री इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो इसका मतलब हुआ कि आर्क भी 1 हो और ये रेडियस भी 1 हो तो जो मेजर होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। यानी एक यूनिट सर्कल पे, इसको जिसकी रेडियस 1 होती है उसको यूनिट सर्कल कहते हैं, आर्क लेंथ ऑफ आर्क मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिस्क्राइब एज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन ऐसे हुआ, एंगल को मेजर करते हैं, इस लाइन को कहते हैं इनिशियल लाइन, इस लाइन को कहते हैं इनिशियल लाइन, इस लाइन को, ठीक है ना, तो इस लाइन को कहते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। इस लाइन को कहते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। यहां से एंगल को अगर इस डायरेक्शन में ले जाते हैं तो माना जाएगा पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, एंटी क्लॉकवाइज जो मेजरमेंट होगी उसको हम मानेंगे पॉजिटिव एंगल, देन एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल, एंगल जो बनेगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना। और 1 रेडियन जो होगा वो क्या होगा, 1 एक यूनिट सर्कल पे, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो, द लेंथ ऑफ आर्क मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज 1 रेडियन। तो इस तरीके से अगर इस इनिशियल लाइन से हम क्लॉकवाइज मूव करें तो एंगल को माना जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव एंगल माना जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हमने बताया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, और ये भी लिखवाया कि जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, है ना। तो एक दो करके देखते हैं चेंज, जैसे मान लीजिए कि हमें चेंज करना है 120 डिग्री को, तो लिखेंगे 120 इंटू पाई बाई 180,
0, 0 cancel. This is 2, this is 3 times. So 2 pi by 3 radian. Radian हमेशा इस form में लिखेंगे. अगर आपको convert करना है, मान लीजिए 150 degree को, तो 150 degree को convert करना है, then you can write here as 150 into pi by 180 degree. तो इसलिए हो जाएगा ये 5 times और ये 6 times cancel होगा, 5 by 6. इस तरीके से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है. थोड़े से प्रैक्टिस के लिए और कन्वर्ट कर लेते हैं, आप लोग करके देखिए. 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री अभी बता ही दिया था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब कॉमन यूज के हैं, इनको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो करके देखिए जरा, और आप कर सकते हैं 75 डिग्री, और आप कर सकते हैं 225 डिग्री, राइट ना, लाइक दिस. और भी थोड़े से कर सकते हैं चाहे तो 300 डिग्री, राइट. इनको कन्वर्ट करें तो जरा करके देखिए. चलिए, कर लिया आपने, हाँ वैसे ही करना था, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना था. तो ये आ गया होगा आपका पाई बाई 3, ये आ गया होगा पाई बाई 2, ये आ गया होगा पाई बाई 6, ये आ गया होगा पाई बाई 4. ये कितना आया होगा, आप 75 इंटू पाई बाई 180, 15 से कैंसिल होगा, 5 पाई बाई 12, है ना. ये आ गया होगा 5 पाई बाई 4, ये आ गया होगा आपका 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 3, है ना, 5 पाई बाई 3. तो इस तरीके से ये उम्मीद है कि आपने सब सही किया होगा और इसमें कहीं कोई गलती नहीं की होगी. इसी को अगर दोबारा हम कन्वर्ट करें इस फॉर्मूले से, जस्ट टू चेक इट कि आपको भी आ गया, तो इसमें हमने क्या कहा है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है. तो पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है आपको, पाई बाई 4 को कन्वर्ट करना है, पाई बाई 6 को कन्वर्ट करना है, 5 पाई बाई 12 को कन्वर्ट करना है. कुछ करके देखते हैं. तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए. पाई बाई 3 आप इसको 180 बाई पाई से चेंज करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. देखिए सेम चीज आ गया कि नहीं आ गया. पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, तो फिर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 45 डिग्री. इसी तरह से पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, फिर हो गया 30 डिग्री. आप सिंपली पाई को 180 लिख देंगे तब भी बात बन जाएगी. जैसे पाई बाई 12, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ऐसे भी करेंगे तब भी बात बन जाएगी, 15 5 75 डिग्री. तो इस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है रेडियन और डिग्री के मेजरमेंट के लिए. आपको ये रिलेशनशिप पता होनी चाहिए ताकि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सके. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना. ओके. अब ये मैं कह रहा हूं कि इनिशियल लाइन से अगर नीचे की ओर मेजर किया जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल को निगेटिव माना जाता है. जैसे ये हमारा था इनिशियल लाइन, अभी हमने कहा था कि ये हमारा इनिशियल लाइन है, वो ये इनिशियल लाइन. तो इस इनिशियल लाइन में, इनिशियल लाइन ये था हमारा, और इनिशियल लाइन में के नीचे ये हो रहा है, यानी एंगल की मेजरमेंट इस डायरेक्शन में है. इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट है, मेजरमेंट. तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल मेजरमेंट होगा तो ये निगेटिव एंगल माना जाएगा, ठीक है. तो वैसे तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, बट ये माना जाएगा निगेटिव एंगल. यानी एंगल जब पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया जाए, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए, तो होगा एंगल पॉजिटिव. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो एंगल होगा निगेटिव. इसका मतलब ये है कि इसी बात को मैं ऐसे कहूं कि इधर से अगर एंगल मेजर करें इस डायरेक्शन से, ये इनिशियल लाइन है हमारा, ठीक है, इनिशियल लाइन, और इस डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करें तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एंगल, और यहां से इस डायरेक्शन मेजर किया जाए
तो इसको आप कहेंगे निगेटिव एंगल। ये पूरी की पूरी चीज चार क्वाड्रेंट में बट गई, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट बटी है? चार, ठीक है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि इस चार क्वाड्रेंट का क्या मतलब है। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको देखिए, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, नाम है इनके। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सबके नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बदलते नहीं है। इसको हम कहते हैं जीरो, यानी ओरिजिन आप कह सकते हैं, बट ओरिजिन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ओरिजिन तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई ये सेंटर है, बेसिकली ओरिजिन नहीं है, ये है सेंटर इस सर्कल का। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? निगेटिव एंगल। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके अलावा अब इसमें हमें यह सीखना है कि एंगल को कैसे हम मेजर करेंगे, आर्क बाई रेडियस, यही है। और ये मेजरमेंट हमेशा रेडियन मेजर को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिग्री में ये बात लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस के लिए हम ये सोचना चाहते हैं कि आखिर एक रेडियन होता कितना है। वन रेडियन इज इक्वल टू, अभी हमने देखा कितना देखा, 180 बाई पाई, 180 अपॉन 3. पाई का मतलब 3.14 या 22/7, ये कैंसिल करेंगे तो ये 56 डिग्री अप्रोक्स आ जाएगा, 56 डिग्री अप्रोक्स आ जाएगा, अप्रोक्स। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 56 डिग्री, ये हम समझ सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 56 डिग्री, राइट ना, अप्रोक्सीमेटली ये होगा 56 डिग्री अप्रोक्स। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 56 डिग्री, है ना। अगर 1.5 रेडियन अगर ले लें तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 56 प्लस 84 डिग्री के आसपास होगा, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जा करके 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, राइट ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 56 डिग्री अप्रोक्स, ये आप दिमाग में रखेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन इज इक्वल टू, ये आप इसको एक्यूरेट अगर लिखें तो ये बेसिकली होता है, आप इसको लिख सकते हैं 57.27, राइट ना। तो 57 डिग्री अप्रोक्स लिख सकते हैं, 57 डिग्री अप्रोक्स, ठीक है ना। एंड 1.5 रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्स, ये होता है, ये याद रखें, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि हम छोटे छोटे जो हमारा एंगल है इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस हैं कुछ, आप देखिए छोटे छोटे, फाइंड द रेडियन मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेजर्स, ये जो डिग्री मेजर में दिया है, रेडियन मेजर ऑफ द कोरिस्पोंडिंग टू डिग्री मेजर्स, इस डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस तरह के सवाल को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहली चीजें सारी समझ में आ गई है ना। और इस तरह की चीजों को चेंज करने के लिए आपको ये चीज एक बार रिवाइज करना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आप देखिए, एक मिनट को एक डिग्री जो है 60 डिग्री, एक डिग्री में कितना मिनट है, 60 मिनट है, ये है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसी तरह से 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री, तो ये लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल 1 सेकंड इज इक्वल टू आल्सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, ऐसे। तो ये सब रिलेशन जो है आपको अच्छी तरह से पहले याद होना चाहिए, तभी आप इसमें कर सकते हैं। कहीं भी अगर स्लोप इस तरह का लिखा है
जैसे 1 मिनट ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब हुआ 1/100 क्या ग्रेड है ना। इसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/100 मिनट, मिनट हो गया है ना, और ग्रेड में लिखना होगा तो 1/100 इंटू 100 ग्रेड 1 सेकेंड इज इक्वल टू। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से जब याद होंगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं और दूसरे लेक्चर में बात करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए, और जब ये बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो पाएंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस।